और बहुत ही खूबसूरत फिल्म है, आज मैं फिर से देखने बहुत ही खूबसूरत लगी। तो दोस्तों, अक्षय कुमार की फिल्म सरफिराह ने सिनेमा घरों में दस्तक दे दी है। ट्रेलर को देखने के बाद फैंस को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार था। फिल्म में राधिका मदान और परेश रावल अहम भूमिका में है। वहीं इसमें तमिल सुपरस्टार सूर्या ने एक विशिष्ट भूमिका निभाई है। इस फिल्म को देखने के बाद अब लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी है। बड़ी संख्या में इस फिल्म को लोगों की सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिल रही है। एक शख्स ने लिखा, माइंडलेस एक्शन फिल्मों की दुनिया में सरफिराह किसी ताजी हवा के झोंके जैसी है, इसे जरूर देखे। अक्षय कुमार वास्तव में वापस आ गए हैं। वही फिल्म क्रिटिक जोगेंद्र टुटेजा ने अपना रिव्यू देते हुए फिल्म को 4 स्टार की रेटिंग दी। साथ ही साउथ एक्टर सूर्या और एक्ट्रेस ज्योतिका ने भी फिल्म पर अपना रिएक्शन शेयर किया है। एक फैन ने सिनेमाघर के बाहर का वीडियो ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा, फिल्म को लोगों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है, खिलाड़ी का अभिनय सभी को पसंद आ रहा है। इसके अलावा एक शख्स ने लिखा, सरफिराह देखिए, इसने मास्टरपीस की टैगलाइन को छू लिया। बहुत समय के बाद अक्षय कुमार ने कमाल दिखाया है। इससे पहले हाल ही में सेंसर बोर्ड से हरी झंडी मिलने के बाद फिल्म की स्क्रीनिंग का आयोजन दिल्ली में किया गया। इसे देखने के बाद एक्सपर्ट लोगों ने फिल्म की तारीफ की थी। एक यूजर ने लिखा था, अक्षय कुमार ने एक बार फिर शानदार का प्रदर्शन किया है, परेश रावल भी अपने रोल में अच्छे लग रहे हैं, अभिनेता ने अच्छा काम किया है, लेकिन सूर्या ने कैमियो में दिल जीता, कुल मिलाकर फिल्म काफी अच्छी है। एक अन्य यूजर ने लिखा, एक वाक्य में फिल्म का रिव्यू वह वापस लौट आए हैं। वही सिने अपने फिल्म को 4 स्टार की रेटिंग देते हुए अपना रिव्यू लिखा। वही पब्लिक के साथ सेलिब्रिटी भी अपना रिव्यू और रिएक्शन दे रहे हैं। और अब तक आए रिव्यू और रिएक्शन को देखे तो साफ है की फिल्म लोगों को काफी पसंद आ रही है। वर्क फ्रंट की बात करें तो अक्षय कुमार इस फिल्म के बाद जल्द ही कई बड़े बजट की फिल्मों में नजर आने वाले हैं। वह वेलकम टू द जंगल, स्काई फोर्स और जॉली एलएलबी 3 में दिखेंगे। फैंस को इन फिल्मों का बेसब्री से इंतजार है। वैसे दोस्तों, आपने अभी तक यह फिल्म देखी या नहीं, और अगर देखी तो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर आप भी अक्षय कुमार के डाई हार्ट फैन है तो इसी अक्षय कुमार की मूवी से रिलेटेड हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।